नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा स्लैब समाचार से, और आज आपके लिए लेकर आई हूं एसएसआर केस में अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। रिया की व्हाट्सएप चैट पर उनके वकील सतीश पांडसिंदे का आया जवाब, आपको बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्लैब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। रिया चक्रवर्ती का जो कन्फेशन आया था, जिसके बारे में हमने आपको स्लैब समाचार पर बताया था, जो ड्रग्स चैट है वो रिया की थी, उस पर अब रिया के वकील सतीश पांडसिंदे ने काफी बड़ी बात कह दी है। पहले जब सतीश जी का बयान आया था इस बात को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा था जो मेरी क्लाइंट है रिया वो ड्रग्स नहीं लेती, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उसके बाद टाइम्स नाउ न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिया ने कबूलनामा किया कि हाँ वो ड्रग्स चैट उन्हीं की थी। लेकिन अब सतीश पांडसिंदे ने कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया है। सतीश पांडसिंदे कहते हैं कि हमारे पास मीडिया ट्रायल या मीडिया पर जो अफवाहें आ रही है उनके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो भी ईडी सीबीआई और एनबीसी की रिपोर्ट आएगी हम उस पर विश्वास करेंगे। कहीं ना कहीं सतीश पांडसिंदे अपनी ही बातों से पलटते नजर आए। शुरू में उनका ये कहना था कि रिया ड्रग्स नहीं लेती है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। जब टाइम्स नाउ न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिया ने कबूलनामा किया कि हाँ वो ड्रग्स चैट रिया की ही थी, तो अब सतीश पांडसिंदे जो रिया चक्रवर्ती के वकील है उन्होंने साफ कह दिया है हम न्यूज़ पर विश्वास नहीं करते, ईडी सीबीआई और एनबीसी की जो रिपोर्ट आएगी हम उस पर विश्वास करेंगे। वेल गाइज, ये थी एसएसआर केस में अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। अब आप जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको हमारी अपडेट कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ।